आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एसएन मेडिकल कॉलेज के वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों को जांच कराने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके लिए उन्हें रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों को जांच कराने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके लिए उन्हें रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि गैराज में नई एम्बुलेंस खड़ी है। अब नॉन कोविड मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में ताले में बंद एम्बुलेंस का उपयोग मरीजों की सुविधा में नहीं हो पा रहा है। इससे तीमारदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एसएन में हड्डी रोग, सर्जरी विभाग, ENT, कैंसर रोग, मेडिसिन, वक्ष एवं क्षय रोग में भर्ती मरीजों को एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI की जांच कराने के लिए रेडियो डायग्नोसिस सेंटर जाना होता है। रोजाना 20 से 35 मरीजों को इसकी जरूरत पड़ती है। इसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा अभी एसएन में नहीं मिल पा रही है। इसके चलते यह निजी एम्बुलेंस मंगवानी पड़ रही है, जबकि गैराज में अभी भी एक नई एम्बुलेंस खड़ी है। इनमें दो एम्बुलेंस थी, जो बीते दिनों अमर उजाला में खबर प्रकाशित करने के बाद एक का संचालन इमरजेंसी पर शुरू करा दिया गया है। एसएन के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एक एम्बुलेंस इमरजेंसी में मरीजों को शिफ्ट करने में उपयोग किया जा रहा है, दूसरी एम्बुलेंस को भर्ती मरीजों को जांच कराने में इस्तेमाल होगा। इसके लिए चालक का नंबर सभी विभागाध्यक्षों को दिया जाएगा, जिस पर फोन कर एम्बुलेंस मंगाई जाएगी। अगले सप्ताह से यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।